हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस कर लेते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल पिवट टेबल लेके। क्या है पिवट टेबल, कैसे काम करता है पिवट टेबल? कोई कोई इसे डेटा फिल्टरिंग समझते, मगर सच तो ये है ये डेटा फिल्टरिंग से कहीं गुना बेटर टूल है। आइए पहले देख लेते पिवट टेबल क्या काम करता है। बड़ा सा कोई एक डेटा स्ट्रक्चर को समरी करना, रीऑर्गेनाइज करना, ग्रुपिंग करना पिवट टेबल का काम है। पिवट टेबल का के साथ मिलता है पिवट चार्ट, जो यूज करके समारी और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए पिवट टेबल कैसे काम करता है देख लेते हैं। यूज करते हैं एक ग्रोसरी शॉप का डेटाबेस, उसमें डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर नेम, पर यूनिट कॉस्ट, क्वालिटी और टोटल कॉस्ट है। इसके ऊपर यदि हम लोग फिल्टर यूज करते हैं, सिलेक्ट कर लिए शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में जाके देख लेते अलग अलग प्रोडक्ट, टोटल 8 प्रोडक्ट है। ओके, कस्टमर में जाते कस्टमर में जाके चेक लेते कस्टमर लिस्ट, 9 कस्टमर थे यहाँ पे। अभी इनमें से कोई सा भी एक स्पेशल कस्टमर के बारे में यदि इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे एंटोनी के बारे में यदि हम लोग स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनका डेटाबेस मेरे पास आ जाएगा, मगर टोटल कॉस्ट नहीं आएगा। जो टोटल कॉस्ट कितना रुपया सेलिंग हुआ है, वो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मगर सेम डेटाबेस यदि हम लोग पिवट टेबल के लिए यूज करते हैं, तो आसानी से टोटल कॉस्ट दिख जाएगा। पहले फिल्टरिंग रिमूव कर देते, क्लियर फिल्टरिंग, शॉर्ट एंड फिल्टर में जाके फिल्टर को रिमूव कर दिए। पिवट टेबल यूज करने के लिए डेटाबेस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते, डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका। अभी चले जाते इंसर्ट, इंसर्ट से जाएंगे पिवट टेबल, इंसर्ट चले जाते होम का बगल में इंसर्ट, इंसर्ट से पिवट टेबल, पिवट टेबल सिलेक्ट कर लेते। पिवट टेबल सिलेक्ट करने से सिलेक्ट रेंज दिखा रहा है, जो मेरा पहले से ही सिलेक्टेड है। अभी ये पूछ रहा है कि रिजल्ट कहाँ पे आएगा, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसको लोकेशन दिखाना पड़ेगा। तो कोई सा भी एक सेल सिलेक्ट करने से ही रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ओके, पिवट टेबल आ गया और पिवट फील्ड भी आ गया। एक एक फील्ड सिलेक्ट करने से लेफ्ट हैंड साइड में उसका इफेक्ट दिखाई देगा, डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर, एक एक करके उसका इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। ये फील्ड हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते, जैसे डेट को लाते हैं रो में, प्रोडक्ट को लाते हैं कॉलम में, और टोटल कॉस्ट को लाते हैं वैल्यूज में, और कस्टमर को लाने वाले हैं फिल्टर में। कस्टमर अभी फिल्टर में ट्रांसफर करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, आ गया। यहाँ पे कस्टमर ऑल दिख रहा है, पर्टिकुलर कोई एक कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कस्टमर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक कस्टमर हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के साथ साथ उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। देखिए यहाँ पे एक ग्रैंड टोटल दिख रहा है, टोटल कितना रुपया का सेलिंग हुआ है ये दिख रहा है, जो फिल्टर में नहीं दिख रहा था। अभी हम चाहते हैं अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग शीट बन जाए, तो ये भी पॉसिबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर में जाके फिल्टरिंग को क्लियर करना पड़ेगा। ऑल हो गया, अभी फिर से हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट, पिवट टेबल ऑप्शन, शो रिपोर्ट, ओके कर देते। देखिए ओके करने के साथ साथ हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग शीट आ गया। देखिए हम दिखा रहे हैं फिर से, अलग अलग कस्टमर के लिए
अलग अलग सीट जो पॉसिबल नहीं था फिल्टर में। पिवट टेबल का और एक टूल है स्लाइसर। स्लाइसर यूज करके भी आसान तरीके से हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं। जो जो डेटा फील्ड मेरे पास था सभी हम सिलेक्ट कर ले, डेटा प्रोडक्ट कस्टमर पर यूनिट कॉस्ट क्वांटिटी टोटल कॉस्ट ओके ओके दबाने के साथ साथ ही मेरे पास छोटा छोटा विंडो आ गया, जो विंडो में अलग अलग डेटाबेस है, टोटल कॉस्ट का डेटाबेस, क्वांटिटी का डेटाबेस, डेट प्रोडक्ट कस्टमर पर यूनिट कॉस्ट। इनमें से कोई एक डेटाबेस यदि हम फिल्टर करना चाहते हैं डेट वाइज, तो हम 3rd सितंबर मेरा कितना प्रोडक्ट सेलिंग हुआ था, कौन कौन सा कस्टमर था, टोटल कॉस्ट कितना रुपया का सेलिंग हुआ था, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया। फिल्टर क्लियर करके दूसरा डेट में जाते हैं 6 सितंबर। 6 सितंबर में भी दिख रहा है कौन कौन सा प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ था, कौन था कस्टमर पर यूनिट कॉस्ट। ऐसे बहुत ही आसान तरीके से फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। खाली डेट के ऊपर नहीं, हर एक फील्ड के ऊपर ही हम लोग ऐसे फिल्टरिंग कर सकते हैं। देखिए जैसे मेरा एक कस्टमर करीम के ऊपर यदि सिलेक्ट करते हैं तो साथों साथ उनका कौन कौन सा डेट में क्या सेलिंग हुआ था ये मिल जाएगा। पिवट टेबल के साथ मिलता है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट यूज करके भी फिल्टरिंग किया जा सकता है। डेटाबेस सिलेक्ट कर लिए, जाना है इंसर्ट, इंसर्ट से जाना है पिवट चार्ट। पिवट चार्ट में जाके पिवट चार्ट सिलेक्ट करना है। पिवट चार्ट सिलेक्ट करते ही जो डेटाबेस हम सिलेक्ट किए थे उसका रेंज दिखा रहा है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें रिजल्ट चाहिए, लोकेशन कोई एक सेल सिलेक्ट करने से हमें रिजल्ट मिल जाएगा ओके। पिवट चार्ट का फील्ड आ गया। अभी एक एक फील्ड को ड्रैग करके हम लोग फिर से लाते हैं। देखिए एक एक फील्ड को ड्रैग करने के साथ साथ ही एक चार्ट मेरे पास आ गया। ये चार्ट में से कस्टमर के ऊपर हम लोग फिल्टरिंग कर सकते हैं। कस्टमर में से कोई एक कस्टमर को सिलेक्ट करते ही हमें अलग तरीके से उनका चार्ट दिखाई देगा, कौन कौन सा डेट पे कितना रुपया का परचेस हुआ था ये दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था पिवट टेबल का एक वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब